हाँ जी दोस्तों, आज हम पहुंचे श्री आनंदपुर साहब नई आबादी कॉलोनी में। ये एक बार देखने दो पास जाकर दोस्तों, ये कॉमन क्रेत है। उधर ही देख लो, का सबसे जहरीला सांप जो रात के टाइम निकलता है और रात को ही हमें परेशान करता है। अभी रात के 11:15 का टाइम है। सोनू एक बैग मंगवा ली यार, ऊपर चढ़ रहा है बाबू। ये सोने के लिए आया था लेकिन अपने शोर मचा दिया ना, इसलिए ऊपर चढ़ रहा है दीवार के ऊपर। नहीं जानता कितने ये माँ जी बाबा जी का ठुल्लू है। मैंने आपसे बोला ना कि ये घर पे सोने के लिए आया था, चुप रहे दो, लेकिन आपने शोर मचा दिया इसलिए ये भाग रहा है। ले सुन बैग लेके जल्दी, बैग दे झोला दे मुझे। इसको अब शर्म आ रही है हमसे। हाँ पिया भाई, चल भी अंदर चल तू तो। यही था मैं देख रहा हूँ। कितना बड़ा है, इतना बड़ा एक हाथ है, इतना बड़ा यही देखिया तो नहीं। यही देखिया। अच्छा भाई ठीक है। मोस्ट फेमस नेगर कॉमन क्रेट, कॉमन क्रेट ओदे दी कोबरा पकड़ के लेके इतना बड़ा की कौन सी वो ये दीवानों को साता होता। मैं तो शुक्र, ये तो सोने के लिए आया था भाई साहब, आपने सोने नहीं दिया इसको। हम खोजे थे ना आउटलेट से, लोग कितने तो कितने चढ़ और बहुत ही कितना। हमरा घर से नहीं बाहर उन्नीस साल होते बाबा मिल गया, अगर नहीं मिलता तो तब वही देखाता हूँ। हमारे घर से नहीं निकलता है कभी जो भारत का एक मोस्ट वेनम स्नेक है, इसके अंदर जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्स वेनम होता है। अगर मैं हर बार जिक्र करता हूँ, अगर इस आपकी अगर किसी को स्नेक को स्नेक की बाइट किसी को होती है प्लीज हम सीधा हॉस्पिटल जाए, कोई और गलत चक्करों में ना पड़े, सिर्फ जो ट्रीट बनता है वही करवाए। मैं हर बार जिक्र करता हूँ, इसलिए मैं आज फिर यही कहना चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट बनता है वही से करवाए। ओके जी, सत श्री अकाल। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आपका दोस्त विक्रम और आप मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम लड पर देख रहे हो। और दोस्तों आज हम भारत देश के दोस्त जो सबसे जहरीले सांप है कॉमन क्रेत और रसल वाइपर, उसको छोड़ने के लिए हम फॉरेस्ट एरिया में आए हैं। रसल वाइपर जो मेरा दोस्त साहिल और सोनू दोनों ने पकड़ा था, उन दोनों से भी आप मिल सकते हो। रुकिए मैं कैमरा उनकी तरफ करता हूँ। हाँ जी साहिल जी, कैसे पकड़ा साहब को भाई? हिम्मत करके फड़ लिया भाई। और हिम्मत कैसे की थी आपने? बस हो गई। हाँ जी सोनू जी, आप बताएं। बस रब ने ही रख ले। चलो ठीक, अच्छी बात है, रब ने ही रख ले। सो दोस्तों ये देखिए इन दोनों के विचार कितने अच्छे हैं, बस रब ने ही रख ले। सही गल है जो इन्होंने कहा, सही सच
वही जो बात उन्होंने कही सच रब ने ही रख ले वो सही कहा। इनका मतलब ये तो पंजाबी बोल रहे बस रब ने ही रख ले, उनका मतलब कि बस परमात्मा ने इनको रख लिया। जैसे ये सबको पकड़ने गए थे इन्होंने क्या किया, गट्टा आगे किया और पीछे से डंडे को उठाकर उसकी पूछ को टच किया। आ गई है और जैसे और पहले हम रसल वाइपर को यहाँ पर रिलीज करते हैं और रात के टाइम हमने आज जैसे तारीख है और आज जैसे 25 तारीख है और रात को 24 तारीख रात कोई 12:15 का टाइम था तो हमने कॉमन करेट वो स्नेक रेस्क्यू किया था। उसको पकड़ने के लिए मैं कमरे में गया और वहाँ उसको पकड़ रहा हूँ, एक लेडीज क्या बोल रही है कहती ये क्या है, तो मैंने बोला कि ये बाबा जी का टुल्लू है। बोला सिरा पहले हम रसल वाइपर को ही छोड़ते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों रसल वाइपर साहब, चलो जाओ चल 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 अब दोस्तों हम जो रात के टाइम हमने जो कॉमन करेट रेस्क्यू किया था उसको हम अभी उसको भी यहीं पे रिलीज कर देते हैं। ये फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ पे कोई लोग आते जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी जंगली एरिया है। ये हेलो हाँ जी, ये दोस्तों कॉमन करेत है, हो जाएगा वो देखो दोस्तों कितनी अच्छी मस्त चाल में चल रही है, तो इन्हें खादा हुआ है कुछ, चल आप कटना मार। जो कोबरा और कॉमन करेत इन दोनों का वेनम सेम होता है, न्यूरोटॉक्सिस होता है। जो हमने रसल वाइपर अभी छोड़ा इसका वेनम थोड़ा सा अलग होता है, होमो न्यूरोटॉक्सिस होता है। किसी को कॉमन और कोबरा की अगर कॉमन क्रेत और कोबरा की बाइट होती है तो उनको क्या होता है, जैसे ये कॉमन क्रेत की बाइट होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी मच्छर ने काटो, पता नहीं चलता। कोई ये सांप एक ऐसा सांप है जो मोस्टली रात के टाइम ही निकलता है और ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इसको आदत है बिस्तर के ऊपर चढ़ने की, क्या पता ये सोने के लिए आता है। मैंने उस टाइम भी जिक्र किया था, ये तो सोने के लिए आया था, आपने इनको जगा दिया। इधर कोई बोला था ना आप वीर जी कितने हो, दो बोरे जी पाया था, बैठा पे हो बीच ओए बीच निकल गया ना, अरे बैठा आ जा वीर आज बाहर। ये देखिए दोस्तों कॉमन करेत, ये एक मोस्ट वेनमस स्नेक है। बस है पागला, तो तेन बचाया उतो मैं तेन मार देना सी, इनको वो मारने वाले थे, ये तो जरा बिस्तरे के ऊपर सोने के लिए आया था। बस यार बस 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 तेन शॉट छड नहीं आए, तेन चलाया तू छोड़ दिया, जा 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 मत कर तू
ਕੋਮਨ ਕਰੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦੀ 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 ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਆਇਆ ਕਿਆ ਵਾ ਮੁੜ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਦੋਨੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਨੇ ਜੀ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਰਸਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਲ ਬਾਈ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਸਾਪ ਆਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹਮ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਪ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਹਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬੁਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਘਰ ਪੇ ਔਰ ਇਨਕੋ ਹਮ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਮ ਜੰਗਲ ਮੇ ਛੋੜ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਿਕਰਮ ਲੋਡ ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ